हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल नीतास किचन मैजिक। और आज हम बनाने जा रहे हैं गाजर का हलवा, बहुत ही सिंपल वे में। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। गाजर का हलवा बनाने के लिए मैंने ये 2.5 किलो गाजर लिए हैं। गाजर का हलवा जब भी हम बनाते हैं, हमें ध्यान रखना कि गाजर का एकदम लाल रंग की हो और थोड़ी मोटी हो। नॉर्मल जो हम सब्जी में यूज करते हैं, उससे थोड़ी मोटी गाजर का यूज करते हैं हलवे के लिए। ये मैंने 2.5 किलो गाजर छील कर धो लिए अच्छे से। अब हम इसको कद्दूकस करेंगे। ये हमारे पास कद्दूकस है, हम इसको मीडियम साइज से या मोटी वाली साइज से, जैसा भी आपको पसंद हो आप उधर से कद्दूकस कर सकते हैं। मैं इसको मीडियम साइज से कद्दूकस करूंगी। इस तरह से हम अपनी एक एक गाजर को लेंगे। इस तरह से हम करके अपनी सभी गाजरों को कद्दूकस कर लेंगे। बट मोटी गाजर होने की वजह से जल्दी हो जाती है ये, ना टाइम लगे। पतली अगर गाजर लेंगे तो आप टाइम लगेगा वो कद्दूकस करने में भी और उसको छीलने में, सब चीज करने में। तो इसलिए हलवे के लिए हमेशा मोटी ही गाजर का यूज कीजिए। इस तरह से हम सभी गाजरों को कद्दूकस कर लेंगे। अब मैंने अपनी सारी की सारी गाजर जो है, देखिए, बारीक बारीक कद्दूकस कर ली है। और अब मैंने लिया है दूध साथ में इसके। दूध मैंने फुल क्रीम दूध लिया है, ये है 1.5 किलो के करीब। और साथ ही हम लेंगे थोड़े से बादाम, ये वेट में बोले तो ये है 20 ग्राम के करीब। थोड़े से लेंगे काजू, ये भी है 20 ग्राम के करीब। थोड़ा सा इलायची पाउडर, मैंने 8-10 इलायची को दरदरा कूट लिया है। और साथ ही में हम अब लेंगे देसी घी, ये वेट में बोले तो ये है 50 ग्राम के करीब। अगर आपको गाजर का हलवा कम बनाना है तो आप गाजर की क्वांटिटी को भी कम करेंगे और दूध की क्वांटिटी को भी कम करेंगे। और तो चलिए पहले हम गाजर को कुक करते हैं। मैंने गाजर को कुक करने के लिए गैस पे एक बड़ा सा कुकर रख लिया है। इसमें मैं थोड़ा सा घी डालूंगी, इसी जो मैंने 50 ग्राम घी लिया था उसी में से। अब घी के मेल्ट होने पर हम अपनी इसमें गाजर डालेंगे। अब जब हम अपनी आधी गाजर डालेंगे तो इसमें हम चीनी डालेंगे। ये मैंने 200 ग्राम चीनी ली है, पहले मैं हाफ डालूंगी इस तरह से। फिर इसके ऊपर से हम थोड़ी सी गाजर डालेंगे। इस तरह कुक करने से क्या होगा ना, चीनी डालने से हमारी जो चीनी के साथ में जो गाजर पानी छोड़ेगा और वो इसी में अच्छे से कुक हो जाएगा और जो हमारा कलर है गाजर का वो भी बहुत अच्छा रहेगा। इसमें जितनी आपके कुकर में आती है गाजर, पहले आप उतनी डाल लें, उसके बाद में बाकी की बची हुई डालें। ये थोड़ी सी मेरी अभी बच गई है, इसको हम सेकेंड राउंड में डालेंगे और इसमें 2 से 3 सीटी आने देंगे हाई फ्लेम पर। जब तक हमारी गाजर कुक हो रही है, हम एक साइड दूध को भी बॉईल कर लेते हैं। इसको भी पहले हम हाई फ्लेम पर बॉईल होने देंगे। अभी पहले हम अपने दूध को इस तरह चलाते रहेंगे, फिर जब इस दूध में एक बॉईल आ जाएगा तो हम इसको गैस को थोड़ा स्लो कर देंगे। अब मेरे दूध में जो है अच्छा बॉईल भी आ गया है। हिलाना इसलिए ज़रूरी है कि दूध हमारा नीचे लगे नहीं ताकि। उसके बाद में अब हम अपनी गैस को स्लो कर देंगे, धीरे धीरे बॉईल होता रहेगा। उधर हमारी गाजर भी जो है कुक हो चुकी है। अब हमने अपनी गाजरों को देखिए अच्छे से कुक कर लिया है। गाजर ने देखिए इतना पानी भी छोड़ा है साथ में कि हमने इसको ऐसे दबा दबा के इसके पानी को जो है थोड़ा अलग कर लिया है और गाजर को हमने थोड़ा अलग कर लिया है ये पानी। लेकिन इस पानी को हम एक अलग तरह से यूज़ करेंगे हलवे में। अब हमने अपनी गाजर में से पानी को अलग कर लिया, ये 1 गिलास के करीब पानी हमारा निकला है। तो पहले हम अपने जो दूध हमारा बॉयल हो रहा है उसमें गाजर का यूज़ करेंगे, पानी का यूज़ हम पानी को बाद में यूज़ करेंगे। अब हमारे दूध को भी बॉयल होते हुए 15 मिनट हो गए हैं और इसकी अमाउंट भी देखिए पहले से थोड़ी कम हो गई है। अब हम इस दूध में अपनी बॉयल करी हुई गाजर का डालेंगे इस तरह से। इसको हमने स्लो ही रखा हुआ है, स्लो गैस पे ही हम काम करेंगे। इसको थोड़ा सा हिला देंगे इस तरह से। बनाने से गाजर का हलवा इसमें क्या है ना, एक तरह से दूध का बिल्कुल खोया टाइप बन जाएगा और बिल्कुल मार्केट वाला लुक आएगा। आप गाजर को भी कुक करके पहले उसमें दूध डाल सकते थे, लेकिन मैं इस तरह से बनाती हूँ, आप इस तरह से देखिएगा। देखिए हमने अपनी सारी गाजर जो है दूध में ऐड कर दी है। हम इसको थोड़ी देर ऐसे हिलाएंगे, इसमें थोड़ा बॉयल आने देंगे। इस स्टेज पर हम अपनी गैस की फ्लेम को थोड़ा बढ़ा लेंगे क्योंकि हमें अभी दूध में बॉयल लाना है। जैसे ही दूध में बॉयल आएगा हम अपनी गैस की फ्लेम को स्लो कर देंगे। देखिए हमारे दूध में जो है अच्छा बॉयल आ गया है, हम गैस को अब स्लो कर देंगे और स्लो गैस पे ही हम इसको कम से कम 15 से 20 मिनट पकने देंगे और बीच बीच में हम इसको चलाते रहेंगे
अभी हम इसका ढक्कन लगा देंगे। हम इसका ढक्कन उठा के चेक कर दें, दूध भी हमारा काफ़ी कम हो गया है, हमारे दूध का कलर भी काफ़ी चेंज हो गया है, बट अभी भी हमें इसको और अभी पकाने की जरूरत। इस स्टेज पे हम क्या करेंगे, जो हमारे पास पानी था गाजर वाला उसका यूज़ करेंगे हम हाफ, क्योंकि मेन जो हमारे गाजर का कलर है और जो हमने शुगर के साथ इसको यूज़ किया मेन एक्सट्रैक्ट तो इसी के अंदर है, तो इसका यूज़ हम बीच बीच में करेंगे थोड़ा थोड़ा डाल के, क्योंकि डालते के साथ ही पानी देखिए गाजर के हलवे का कलर भी चेंज हो गया। और 10 मिनट ढक्कन लगा के पकने देंगे और बीच बीच में चलाते रहेंगे। देखिए अभी हमारा दूध भी कम हो गया है, गाजर के हलवे का कलर भी अच्छा होता जा रहा है, बट अभी हमें इसे और पकाने की ज़रूरत है जब तक इसमें दूध बिल्कुल नहीं ख़त्म हो जाए। और अब इस स्टेज पे हम फिर से इसमें थोड़ा सा वही पानी डालेंगे, हम ढक के इसको 10 मिनट पकने देंगे, बीच में हम एक बार इसको देख के फिर से चलाते। अब हम इसको ओपन करके ही पकाएंगे और अब इसमें हम जो है थोड़ी चीनी डालेंगे, हमने पहले डाली थी 200 ग्राम की करीब बॉईल करते टाइम, अभी हम डाल रहे हैं 100 ग्राम की करीब। अगर आपको लगे कि चीनी कम लग रही है आपको तो आप और भी डाल सकते हैं। और देखिए हमारा काफ़ी जो है दूध ख़त्म हो गया है, अब हम पहले मीठा चेक कर लेते हैं, अगर मीठा कम है तो अभी हम और मीठा डालेंगे, थोड़ा कम लग रहा है मुझे, और बाकी की बची हुई चीनी भी जो है डाल देते हैं। टोटल हमने अभी तक 300 ग्राम चीनी का यूज़ किया है। इस तरह से हम इसको हिलाते हुए पकाएंगे क्योंकि अब ये हमारा जो है हलवा लग ना जाए नीचे। हम इसमें अपना इलायची का पाउडर डालेंगे, बिल्कुल ऑप्शनल है ये, अगर आपको पसंद आए स्मेल इलायची की तो डालिए, नहीं तो छोड़ सकते हैं आप इसको। थोड़े से हम डालेंगे बादाम, थोड़े हम रखेंगे ऊपर से गार्निश करने के लिए, थोड़े से हम डालेंगे काजू, काजू भी हम थोड़े रखेंगे गार्निश करने के लिए। अभी हम इसको इसी तरह से हिलाते हुए पकाएंगे ताकि हमारा हलवा लगे नहीं। सर्दियों में जो है गाजर का हलवा बहुत ही अच्छा लगता है गर्म गर्म, बहुत सी शादियों में भी अक्सर बनाया जाता है गाजर का हलवा, लेकिन जितनी भी शादियों में आप जाएंगे, जितने भी घरों में जाके गाजर का हलवा खाएंगे, सबका टेस्ट अलग मिलेगा आपको, किसी का भी टेस्ट सेम नहीं मिलेगा क्योंकि सबके बनाने का तरीका अलग है। हमें देखिए अपने गाजर के हलवे को पकाते हुए 10 मिनट और हो गए हैं और हमारा दूध जो है काफ़ी ख़त्म हो गया है। अब इस स्टेज पे हम जो है अपना घी डालेंगे जो हमने लिया था, कि ये घी जो है हमारे हलवे को भुनने में हेल्प करेगा और हमारा जो हलवा है वो नीचे लगेगा नहीं, तो टेस्ट भी चेंज हो जाता है घी डालने से और टेक्सचर भी चेंज होता है। हमें अपने गाजर के हलवे को लगातार चलाते हुए ही भुनना है क्योंकि हमारा गाजर का हलवा हम फाइनल स्टेज पे आ गया है, अगर हम इसको चलाएंगे नहीं तो वो नीचे लग जाएगा और फिर जलने की स्मेल आ जाएगी हलवे में, वो नहीं जाती। थोड़ा मेहनत का काम है बट टेस्ट चाहिए तो मेहनत तो करनी पड़ेगी। वैसे भी सर्दियों में गाजर का हलवा बनाते ही रहना चाहिए, खाते रहना चाहिए, क्योंकि देखिए गाजर के हलवे में हम दूध डालते हैं, दूध में बहुत कैल्शियम होता है जो हमारी बोन्स के लिए बहुत अच्छा होता है, और गाजर में भी जो है विटामिन ए होता है जो कि हमारी आइज़ के लिए बहुत अच्छा होता है, फाइबर होता है जो हमारे डाइजेशन के लिए बहुत अच्छा होता है, और गाजर जो है हमारी इम्यूनिटी को भी बूस्ट करने का काम करती है, और साथ ही इसमें हम फिर घी का यूज़ करते हैं, घी में भी जो होता है गुड फैट होता है जो कि हमारी जो पेन होते हैं सीजनल पेन जॉइंट्स में इनको भी इसमें भी जो है रिलीफ देता है घी। ड्राई फ्रूट्स यूज़ कर रहे हैं, ड्राई फ्रूट्स में भी जो है हाई अमाउंट में विटामिन मिनरल्स फाइबर होते हैं जो कि हमारी बॉडी के लिए विंटर सीजन में बहुत ही ज़रूरी होते हैं। तो ओवरऑल हम मिला के बोले तो गाजर का हलवा जो है एक हमारी न्यूट्रिशनल फूड है, हमारा न्यूट्रिशनल डिश है हमारी, जो हमें सर्दियों में एक दो बार ज़रूर बनानी चाहिए और खानी चाहिए। घर के बने हुए गाजर के हलवे का टेस्ट अलग ही होता है और इतनी मेहनत करके बनाओ तो टेस्ट और भी अलग आएगा। इस तरह से इसको हम अभी और हिलाते रहेंगे ताकि हमारा लगे नहीं गाजर का हलवा, और भूनने के बाद ये हमारा हलवा बिल्कुल तैयार हो गया। देखिए इसमें बिल्कुल भी मॉइस्चर नहीं है, कैसे दबा रहे हैं तो बिल्कुल भी हमारा पानी नहीं आ रहा है और अच्छे से भुन गया है।
अब स्टेज पर हमारा हलवा बिल्कुल रेडी है। तो हम इसको सर्व कर लेते हैं, इसको ऊपर से गार्निश कर देते हैं। हमने ये चॉप किए हुए बादाम, हमने इनको लंबा लंबा काट लिया है। आप इसमें साबुत बादाम और काजू का भी यूज़ कर सकते हैं। इस तरह से देखिए हमारा ये गाजर का हलवा हो गया है तैयार। थोड़े टाइम तो लगा, पूरा टाइम हमें लगा है इसमें 1 घंटा, बट मेरी गाजर की जो अमाउंट थी वो ज़्यादा थी, 2.5 किलो थी। आप अगर कम गाजर का बनाएंगे तो जल्दी भी बन जाएगा, इसलिए डरिएगा नहीं कि इतना टाइम लग रहा है तो नहीं बनाए। थोड़ी मेहनत लगती है पर अच्छा बनता है। तो इस तरह से अपने घर में सभी को खिलाइएगा। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स के साथ में शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा अगर आपको मेरी रेसिपीज़ पसंद आती हैं। तो मिलते हैं आपसे अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।